दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मदरबोर्ड में रैम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं DDR3 रैम है, 4GB। मैंने इसको मार्केट से परचेज़ की थी। ये मुझे मार्केट से मिली 1900 रुपीज़ में। आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, ऐसी कंपनी की आएगी आपको मिलेगी। इसको ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए, 4GB रैम है, DDR3 रैम। इसको मैं मदरबोर्ड में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आज आपको। तो दोस्तों, ये मेरा मदरबोर्ड है, इसके अंदर मैं इंस्टॉल करूंगा। ये मेरे इसके अंदर पहले से एक रैम लगी हुई है 2GB की, और इसके अंदर मैं एक साइड में स्लॉट दिया है, यहाँ मैं एक और अपनी रैम लगाऊंगा। ये जो आप स्विच देख रहे हैं इधर बीच में, इसको इस स्लॉट को सही से देख के आपको लगाना है। तो मेरे ये स्लॉट ऐसे इस तरफ से है, तो मैं ऐसे इसको इंस्टॉल करूँगा और इसको हल्के से ऐसे प्रेस करना है। तो ये मेरे अब इस मदरबोर्ड के अंदर मेरे लग गई है। अब चलिए, मैं CPU को वापस सबमिट करके ऑन करूँगा। तो दोस्तों, मैंने अभी मेरे कंप्यूटर में रैम को डाल दिया है। अब चलिए माय कंप्यूटर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि मेरा जो रैम है वो सही से इंस्टॉल हो गई है या नहीं। तो माय कंप्यूटर में जाएंगे और उसको देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में। तो आप यहाँ देखेंगे इंस्टॉल्ड मेमोरी 6GB दिखा रहा है। तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे इसमें CPU में 2GB मेरे पहले से इंस्टॉल था, और उसके बाद मैंने 4GB की एक और रैम डाली, तो ये अब टोटल 6GB यहाँ शो हो रहा है। तो आज आपने देखा कि अपन इस CPU के अंदर रैम को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।